बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब खबरें शेयर करनी हैं तीन, तीनों खबरें बहुत अहम हैं। पहली खबर, बाप ने पीटीआई के साथ हाथ कर दिया, ये क्या चक्कर है। दूसरी खबर, परवेज रशीद साहब किन की आंखों में खटकते हैं कि उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, फैसल वाउडा साहब के मंजूर हो गए, परवेज रशीद साहब के मुस्तरद हो गए, ये भी कोई अजूबा है, दुनिया का आठवां बड़ा अजूबा है। अच्छा, उसके बाद ये खबर शेयर करनी है जनाब के कप्तान साहब जेकेटी जहांगीर तरीन साहब की मिन्नतें तरले करने पर उतर आए हैं। ये बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल पैदा हो गई, कौन सा खौफ है, क्या तजबजब है। कोई भी खबर शेयर करने से पहले जनाब, आज फिर इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी इलेक्शन, और इस ज़िमनी इलेक्शन को तीन तो हो चुकी हैं, अब चार आज हो रही हैं। एक NA 75 डस्का में इलेक्शन हो रहा है, मरियम साहबा ने भी बड़ी रैलियों से खिताब किया और उन्होंने यहाँ तक कहा डस्का में, और फिर गुजरावाला में भी, PP 51 में भी, और ये, और फिर उसके बाद वजीराबाद में भी, हर जगह पर उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन नहीं, ये जंग है, जंग। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इससे कितनी इम्पॉर्टेंस है इसकी, और देखते हैं। कुरम की है NA 45 ज़िला कुरम में, और इसी तरह से PK 63 नौशहरा में, ये अपना परवेज खटक साहब के इलाके का। अब आम तौर पे तो ये था ना कि हम सुनते थे कि जब भी पंजाब में इलेक्शन होता और नून लीग जीत जाती तो PTI की तरफ से ये उजर पेश किया जाता कि जनाब ये तो जो इलेक्शन होता है ना, जो ज़िमनी इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन, ये जीतती ही हुकूमत है, ये हुकूमत ने, अब पीछे तीन इलेक्शन हुए, ठीक है ना। अच्छा चलें, वो तो सिंध में उनकी हुकूमत थी, वो जीत गए, लेकिन आपने साथ ये भी देखना है कि PTI का वोट बैंक कितना कम हुआ। ये बात ठीक है, अहम तो है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत गई, उनकी सीटें थीं, लेकिन ये बात उससे ज्यादा अहम या तश्वीशनाक है कि PTI का वोट बैंक कितना कम हुआ। आप पिछले इलेक्शन में भी देख लीजिए और फिर इसमें भी देख लीजिए, उनकी तो जमानतें जब्त हो गई। इसी तरह से जिला पशीन में देखिए, हुकूमत तो उनकी अपनी थी, उनकी और उनके इत्तेहादियों की, बाप की हुकूमत है और फिर उनकी है, और इसी तरीके से वो वहाँ भी हार गए और फिर वो वहाँ, यानी तीनों जगहों पे जमानतें जब्त हो गई हैं। तो इस ज़िमनी इलेक्शन को मिड टर्म इलेक्शन कहा जा रहा है। आ जाएं जनाब, इस पे ज़रूर वीडियो करेंगे, ये बस शाम 5 बजे पोलिंग ख़त्म होगी और अगले 2-4 घंटे में सारी सूरत हाल वाजे हो जाएगी। और मैं कहूँगा कि जनाब ऐसा किया करें कि ये जो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है ना, अब माशाल्लाह जब भी एक अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम या गुड मॉर्निंग भिजवा देते हैं, अब उस इसके लिए नहीं दिया, माशाल्लाह आप जो है ना मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं तमाम के तमाम। इस तरह की काम की न्यूज़ शेयर किया करें, काम की जो न्यूज़ होती हैं वो शेयर किया करें, कि बहुत सारे पूरे इलाकों में, अब आज का जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो जो मेरे साथ डस्का से हैं लोग, सियालकोट से व्यूअर हैं मेरे काबिल एहतराम, गुजरांवाला से हैं, इस तरह से नौशहरा से हैं, इसी तरह से, तो वो कम अज़ कम ना अपडेट दिया करें, इस तरीके की सूरत हाल से आगाह किया करें। ये व्हाट्सएप नंबर देने की या ये मकसद होता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, आप ये देख लें कि पहली खबर कि मैंने लिखा बाप ने PTI के साथ हाथ कर दिया, वो कैसे भाई, बाप से मुराद बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और हाथ बड़ा मजे का किया है, अब्दुल कादिर साहब को टिकट दिया था बलूचिस्तान से, प्रॉपर्टी टाइकून, ठेकेदार, ठीक है ना, उनके अरबपति, ठीक है, या खरबपति अब्दुल कादिर साहब मशहूर ठेकेदार हैं, उनको PTI ने टिकट दिया। तहरीक इंसाफ के जो बलूचिस्तान चैप्टर है, उन्होंने एहतजाज किया, कप्तान साहब ने फिर से यू टर्न ले लिया। अच्छा, कप्तान साहब यही करते हैं वज़ीर आज़म साहब, कि बहुत सारी चीज़ें, तो भाई फैसला पहले से सोच समझ के करें, चाहे वो मुल्की फैसला हो, चाहे वो पार्टी का फैसला हो, चाहे वो ज़ाती फैसला हो, जो भी हो, फिर यू टर्न ले लिया जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब टिकट वापस हुआ, ज़हूर आगा साहब को, रिंद साहब के बेटे को टिकट दिया गया। अब्दुल कादिर साहब तो फिर चुप तो कर गए, लेकिन उन्होंने आज़ाद हैसियत में अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी और वो मंजूर भी हो गए। तो यूं समझ लीजिए कि PTI की जीती जिताई सीट अब हारने जा रही है, ये वाली सीट, ठीक। अच्छा, वो बाप ने, बाप उनकी हिमायती बन गई अब्दुल कादिर साहब की, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो उनकी हिमायती बन गई, उनका
जो तजवीज़ कुनिंदा भी उन्हीं का, तायद कुनिंदा भी उन्हीं का, यानी प्रोपोज़र सेकेंडर दोनों उन्हीं के, तो उन वो आज़ाद हैसियत में तो है, लेकिन अब वो बाप वाले उसको वोट दे रहे हैं अब्दुल कादिर साहब को, ठीक है ना। जाम कमाल साहब के साथ उनकी बड़ी दोस्ती है भाई, उन्होंने 2018 में भी आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए थे, लेकिन वो मुस्तरद हो गए थे, अब वो मंजूर हो गए, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप देखिए कि अब ये नामजदगी का क्या होता है जनाब, और कैसे होती है, और जनाब उनको किस तरीके से, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को नहीं, उन्होंने कहा कि अच्छा उन्होंने एक दिन पहले अपनी पार्टी छोड़ी, और उस बेचारे ने एक दिन पहले अपनी पार्टी छोड़ के पीटीआई में शामिल हुए, भाई टिकट मिल रहा है मुझे और वो मैं कामन उम्मीदवार हूँ और उनकी सीट पक्की थी, अब उसके बाद उन्हें टिकट, अच्छा जब उनसे टिकट वापस लिया गया तो वो उस वक्त शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में थे, प्रोग्राम में उनको इतला दी गई, यानी कि अब आप अंदाज़ा करें कि टिकट तो वापस दिया गया लेकिन उनके साथ मशवरा किया जाता, उनको कोई एतमाद में लिया जाता, कोई जाम कमाल साहब को एतमाद, इस वजह से उनको ना अच्छा खासा गुस्सा है कि ये क्या है कि उनको शहजाद इकबाल साहब ने उन पर बिजली गिराई एक तरह से, कि जी हम आपको बताते हैं कि शहबाज गिल साहब ने अभी ट्वीट किया है कि आपसे टिकट वापस लेके फलां साहब को दिया गया है, और वो बड़े बेचारे तजबजब में आ गए, और फिर उस वक्त वो क्या कहते हैं, ऑन एयर थे और लाइव थे प्रोग्राम में, तो बड़ा एक अजीबो गरीब सी उन पे ना एक बिजली गिरी है, उनको पता ही नहीं था। तो ये होता है, किस तरीके से दो चश्मी होती है यहाँ पे सियासत में, किस तरीके से आंखें फेर ली जाती हैं। आ जाए जनाब, परवेज रशीद साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, और मैं इंतहाई हैरान हूँ कि वो दो दफ़ा सेनेटर रहे, ठीक है, और इसी तरीके से जो है ना वफाकी वजीर इत्तला'आत भी रहे, ठीक। अच्छा, परवेज़ रशीद साहब के बारे में मशहूर है जो मुखालिफीन भी कहते हैं, आप किसी पर ना नवाज शरीफ साहब पर किसी पर, वो ठीक हों गलत हों, वो चैलेंजेबल हों, लेकिन इल्ज़ामात इन पर करप्शन का कभी कोई एक रुपए का इल्ज़ाम ही नहीं लगा। इनके जो मुखालिफीन भी हैं ना, वो भी इस बारे में कि यार ये जो बंदा है ये बड़ा ही एक मलंग सा बंदा है, ये बड़ा ही एक इस तरीके, हाँ ये है उनका एक स्टांस है, जो उनका एक उसूली स्टांस है, प्रो डेमोक्रेटिक स्टांस, सिविलियन बालादस्ती के वकील का स्टांस, इस तरीके का जो चीज़ें हैं, यही स्टांस तो आजकल मुसीबत है, ठीक है ना, यही चीज़ें तो आजकल खटकती हैं, यही चीज़ें तो है ना, खटकता हूँ दिले यजदा में कांटे की तरह, परवेज़ रशीद साहब भी वही बात है। अच्छा, मैं समझता हूँ मुशाहिदुल्ला खान साहब अल्लाह बख्शे उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मैं यही सोच रहा था कि इन दोनों के मुस्तरद हो जाने थे, मुशाहिदुल्ला खान साहब के और परवेज़ रशीद, जिस तरीके से इन्होंने नाक में दम किया होता ना बहुत सारी फोर्सेज का सेनेट में नाम ले लेके, तो मैं यही सोच रहा था। और उससे भी बड़ी बात कि जहां फैसल वाउडा साहब के कागजात मंजूर हो जाएं, कि जिनके अपनी पार्टी को भी ये खदशा था कि जी ये नाअहल हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी मिनिस्टर हैं ना, ये नाअहल हो जाएंगे, इसी वजह से उनको सेनेट का टिकट दिया गया, उनकी अपनी पार्टी को खदशा था कि ये नाअहल हो जाएंगे, इतने स्ट्रांग सबूत हैं कि वो उनके मुखालिफ वकील कह रहे हैं उन पे, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने भी 50,000 का जुर्माना भी किया फैसल वाडा साहब पे, और मध्य मुकाबल उनके जो हैं वकील वो कह रहे हैं कि जनाब ये कहते हैं, जब हाई कोर्ट में भी वो केस चल रहा है इनकी नाइली के लिए, इनकी वो ड्यूल नेशनैलिटी के लिए भी, और इनके जो बाहर की प्रॉपर्टीज़ को निकली हैं उसके लिए भी, और बाकी ये सारा कुछ तो यहाँ चल रहा, तो वो कहते हैं कि जहाँ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो इस ये बहाना करते हैं कि जनाब हमारा तो केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, और जब वो इलेक्शन कमीशन में आते हैं तो फिर ये बहाना बनाते हैं कि हमारा तो इस्लामाबाद है, यानी एक तरह से ना लिंगर ऑन करना, डिलेइंग टैक्टिक्स अख्तियार करना, एक तरह से उसको मुलतवी कराना, कोई इस तरीके से ताखीरी हरबे अख्तियार करना, तो ये मैं इससे ज़्यादा मेरे लिए हैरत, ये तो हैरत हैरत की बात नहीं थी, मुझे पता है कि परवेज रशीद साहब किन की आंखों में खटकते हैं कांटे की तरह, लेकिन बात ये है कि मुझे ये हैरत ज़रूर कि जहाँ क्या बात नए पाकिस्तान की, क्या बात है वो कहते हैं ना रियासत मदीना की, कि जहाँ फैसल वाउडा साहब के मंजूर हो गए कागजात और परवेज़ रशीद साहब के मुस्तरद हो गए, और उन पर इल्ज़ाम लगे जनाब, पीटीआई ने ही चैलेंज किया कि ये राज अफशा किया, वो डॉन लीग की तरफ इशारा, ठीक है ना, अरे कि वो डॉन लीग की उस मीटिंग में भी नहीं थे। अच्छा खैर, उस वक्त भी जब मियां साहब ने उनको फारिग किया, पता नहीं क्या चुप कराने के लिए, क्या कि कोई चीज़ को जो है ना
लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें कि जब माजी में कि परवेज़ रशीद साहब को या मुशाहिदुल्ला साहब को एक तरह से फारिग करना, यही इन्हीं मसलतों से काम ना लिया होता मियाँ साहब ने, तो आज उनको मेरा ख्याल है ये दिन ना देखने पड़ते। कि उस वक्त जब मुशाहिदुल्ला साहब ने BBC को इंटरव्यू में कहा था कि एक जनाब कंट्रोल टावर के वो एक साबिक अपना DGISI थे और उन्होंने जनाब इस तरीके से वो जो टेलीफोन टेप वाली बात वो मशहूर मारूफ वो, उस पर मैंने वीडियो भी की थी, तो जनाब उनको नवाज शरीफ साहब ने बुला के तो फिर उसके बाद जो है ना उनको फारिग कर दिया। इसी तरह से परवेज रशीद साहब का ना कोई कसूर था ना कुछ, इस तरीके से किसी को चुप करवाने के लिए या कोई ना कोई जो है ना बराबर करने के लिए, एक स्मूथ वो सिस्टम स्ट्रीमलाइन करने के लिए, आगे चलाने के, तो ये अगर इन मसलतों से काम ना लिया होता तो फिर आज ये दिन ना देखने पड़ते। परवेज रशीद साहब जैसे बंदे को डॉन लीग में फारिग करवा दिया, तो खैर उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने राज अफशा की है, इन्होंने इदारों के खिलाफ बातें की और पंजाब हाउस के 95 लाख के वाजबात हैं उनके जिम्मे। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने कहा था कि इन्होंने मुझे जो बिल दिया मैं ऑलरेडी उसको कंटेस्ट कर रहा हूं, जो बिल दिया इन्होंने मुझे वो कहीं ज्यादा दिया, मेरे इतने वाजबात नहीं बनते। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अगर है भी सही ना तो मैं ये पूरे के पूरे देने के लिए तैयार हूं, मैं बाद में कंटेस्ट कर लूंगा, मैं केस लड़ लूंगा, ठीक है ना, मैं ये पूरे के पूरे। अब आप अंदाजा करें कि जिस तरीके से ना वो भेड़िए ने मेमने को खाना हो ना, तो कोई ना कोई भाई यार मेरा पानी क्यों गदला कर रहा है, उसने कहा जी पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है, उसने कहा तूने मुझे पिछले बरस जो है ना गालियां क्यों दी थी, उन्होंने कहा जी मैं तो अभी 6 महीने का, मैं तो पिछले बरस था ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वो तेरा बाप होगा तो इससे शक्ल मिलती थी, कि खाना हो ना तो भाना कोई ना कोई बना लेना होता है। तो ये फैसला परवेज रशीद साहब कहते हैं मैं चैलेंज करूंगा, उन्होंने खुद भी कहा कि खुफिया कुवतें कंट्रोल टावर्स के माँ पर, कल मैंने ट्वीट भी किया, मैंने कहा परवेज रशीद साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए और इन्वर्टेड कामाज में लिखा कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और ये कागजात नामजदगी उनके मुस्तरद हो गए हैं। अच्छा जी वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताऊँ ना कि जो इजाज शाह साहब एक TV इंटरव्यू में भी कह रहे हैं कि अगर जो है ना नवाज शरीफ साहब 2-3 लोगों की बात ना मानते, उनमें से 1-2 सेनेटर हैं और 1-2 MNA हैं, अगर इनकी बात ना मानते तो चौथी मर्तबा भी वजीर आजम होते, ये रिकॉर्ड पे है। जो एजाज शाह साहब उस वक्त वो वजीर दाखला थे, ठीक है ना, उस वक्त वो चैन शेख रशी साहब है ना आजकल, तो उस वक्त वो वजीर दाखला थे, वजीर दाखला ने खुद इंटरव्यू, आपको पता है एजाज शाह साहब की क्या उनको, वो ऑलरेडी ब्रिगेडियर भी रिटायर्ड हैं और सेक्टर कमांडर भी रहे और बहुत सारे, मतलब उस वक्त भी वजीर दाखला थे और उनको सब कुछ पता है, और वो इशारा इन्हीं की तरफ था, उनमें से एक परवेज रशीद साहब की तरफ भी इशारा था कि अगर ये ना होते तो ये खटकते हैं जनाब दिल यजदा में कांटे की तरह। परवेज रशीद साहब को मरियम नवाज साहबा का सियासी उस्ताद भी कहा जाता है, उनको मशवरे देना, उनको स्पीच के बारे में उनको इस तरह से पॉलिटिकल मशवरे देना, तो बाजी में भी उनका नाम डॉन लीग से भी जोड़ा गया। मैंने आपको जैसे बताया पहले वो पीपल्स पार्टी के साथ थे, फिर उसके बाद जब से नून के साथ आए हैं तो नवाज शरीफ साहब के साथ पक्के उनके बाद साथी हैं। अच्छा 12 अक्टूबर, ये बड़ी दिलचस्प सी कहानी है उनकी, क्योंकि आपको पता तो हो ना कि वो दिल यजदा में कांटे की तरह खटकते क्यों हैं, ये बड़ी दिलचस्प। 12 अक्टूबर 1999 को जब परवेज मुशर्रफ साहब ने तख्ता उल्टा, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, जमहूरी हुकूमत का जब तख्ता उल्टा, परवेज रशीद साहब उस वक्त सरकारी TV के सरबराह थे PTV के, तो परवेज मुशर्रफ साहब के अपने हाथों से उन्होंने एक तहरीर लिखी थी परवेज रशीद साहब ने, और परवेज मुशर्रफ की उन्होंने जो है ना वो टेलीकास्ट की कि परवेज मुशर्रफ का की जो है ना छुट्टी करा दी गई, ठीक है ना, ये उन्होंने खबर टेलीकास्ट करवाई कि परवेज मुशर्रफ साहब की बरतरफी कर दी गई। ये परवेज रशीद साहब ने अपने हाथों से लिखी तहरीर पढ़वाई थी PTV पर, इसी की सजा मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ, कंट्रोल टावर सारा आ गया, फौज आ गई जनाब, घेर लिया PTV को, परवेज रशीद साहब गिरफ्तार हो गए, फिर उन पर जिस तरह के जो मजालिम हुए वो सबको पता है, सबके सामने है, एक लंबी कहानी है। उन्हें जेल में डाला गया, वहां से उन्हें वो जनाब जलावतनी अख्तियार की, उन्होंने बरतानिया में जलावतनी की जिंदगी गुजारी, फिर उसके बाद वो नवाज शरीफ साहब के साथ वापस आए, 2009 में भी वो सेनेटर बने, अच्छा फिर सेनेटर वो 2 दफ़ा बने हैं, अच्छा 2013 में उनको वजीर इतलात बनाया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जब वो धीमे लहजे में इस तरीके से उसूली बात करते हैं ना, और वो तीर धीमे लहजे में चलता हुआ सही हदफ पे लगता है,
तो बस ये वही कांटा है जो दिल जज्दा में खटकता है, बस यही मसला है। अब वो देखें कि उनको मुझे खैर कन्फर्म था कि तकरीबन अल्लाह बख्शे मुशाहिदुल्लाह साहब तो इंतकाल कर गए हैं, तो मैंने कहा कि ये डेफिनेटली आप देख लीजिए लीजिएगा। अच्छा फिर मुझे अब ये भी है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हो जाना और फिर उस पर एतराज़ भी मुस्तरद हो जाना और इस पर, तो ये बड़ा ही खलबली सी मच गई है हुकूमत की सफ़ों में, और कह रहे हैं कि अगर सेंटर की ये सीट हम हार गए तो बड़े मुसीबत में आ जाएंगे। हम हार गए, ये जो हमारी ऐसी अक्सरियत भी सामने नज़र आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी कह रही है कि 15 MNAs तो हमारे साथ हैं। उसके बाद भी हम कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ MNAs हैं जो ऑलरेडी इनसे नाराज़ हैं, उनको आगे इनका फ्यूचर ब्लैक नज़र आ रहा है, तो वो इस वजह से भी उनके साथ उनके रबते हैं, और वो जनाब उनको वो टिकट्स देने के भी झांसे आ, और बहुत आपको पता नहीं क्या क्या होता है यहाँ पे सूरत हाल। वो चाहिए भी मैं नहीं पढ़ता कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फतवा देने वाले कि जनाब आप तो चस्के लेते हैं, हम चस्के नहीं लेते, हम जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो ग्राउंड पे सूरत हाल होती है, उस सूरत हाल से आगाह करना आपको ज़रूरी समझते हैं, उसी की बुनियाद पर। यह नहीं होता कि कोई कहे कि जनाब ये हम तो ये चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, चाहिए या नहीं चाहिए मैं नहीं पढ़ता होता, मैं मुसले आज़म नहीं हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मैं तजियाकार हूँ। तो जनाब इसी वजह से इसी चीज़ को देखते हुए तो कप्तान साहब मिन्नतों पे उतर आए हैं, तरलों पे उतर आए हैं। जहांगीर तरीक, हार का खौफ है भाई, शिकस्त का खौफ है, शिकस्त का खदशा है। जहांगीर तरीन साहब से रबते बढ़ा दिए गए हैं, और आपको पता है ना वो बात है कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी चंद दिन पहले एक मीडिया टॉक में उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब सुना है कि आपको जहांगीर तरीन साहब सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा वो मेरे अजीज़ हैं, उनकी रिश्तेदारी तो है, मेरे अजीज़ हैं, लेकिन अब बात ये है कि उनसे अभी रबते नहीं हुए। अच्छा क्या कहते कि रबते हो गए हैं, ठीक है ना। अच्छा इसी खौफ से मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने रिक्वेस्ट की है, अब देखें कि उनकी रिक्वेस्ट का क्या होता है। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प सी बात है, ये अभी कल ही की तो बात है कि पीटीआई ने जनाब क्रेडिट लिया कि देखो जी इतने करीबी बंदे, ये कप्तान ही का तो कमाल है। शहबाज गिल साहब कैसे उछल उछल के बता रहे थे टीवी पे, कैसे ट्वीट कर रहे थे, उनका काम ही बस एक ही है ना कि ट्वीट करना और टीवी पर आना, बाकी तो मुझे उनकी वजारत का अभी तक समझ नहीं है कि उनका क्या काम है। अगर आप में से किसी को समझ आई हो तो प्लीज मुझे भी बता देना। तो बहर अभी तक तो जनाब यही है कि ये क्रेडिट लिया जा रहा था कि देखें जी अगर इतना करीबी बंदा भी चोरी में पकड़ा जाए, चीनी की चोरी में, तो फिर हम उसको भी फारिग कर देते हैं, ये कप्तान का जिगर है, ये कप्तान कप्तान का कमाल है कि इतने करीबी को भी फारिग कर दिया उन्होंने, जहांगीर तरीन जैसे को भी। तो अब उसी जहांगीर तरीन का अगर वो चोर हैं तो उनकी मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, और अगर वह चोर नहीं थे तो उनको साइडलाइन क्यों किया गया। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है भाई, वो भी बिजनेसमैन है, वो भी देखेंगे, बिजनेसमैन तो अपना फायदा ही देखता है ना, फिर आपको पता है ना, ठीक है ना। और फिर उनको पता है कि वो फिर उनको भी पता है कि अच्छा मैं देखता हूं कि अब मेरा फायदा इस पार्टी से क्या हो सकता है, जब हो सकता था इन्होंने मुझे साइडलाइन कर दिया, और अब क्या हो सकता था, अब क्या हो सकता है। अब वो फ्यूचर को भी उनको नजर आ रहा है कि यहां पर जिमनी इलेक्शन, और अगर आज के जिमनी इलेक्शन का रिजल्ट पीटीआई के खिलाफ आया या 90-95% भी इन चार सीटों में से तीन हार गए या दो हार गए या चारों के चारों हार गए या इस तरीके से रिजल्ट खराब आया, और खास तौर पे पंजाब की सीटें बड़ी डिसाइसिव होंगी, ये रिजल्ट अगर खराब आया पीटीआई के हक में और पीटीआई हार गई, तो जो कहती होती है कि आमतौर पे जिमनी तो जीतती ही हुकूमत है, क्योंकि ये वैसे बात में वजन होता है कुछ ना कुछ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिमनी में तो लोग ये चाह रहे होते हैं ना कि हमने गवर्नमेंट को दें ताकि ये हमारा नुमाइंदा पहुंचे, ऑलरेडी गवर्नमेंट की साइड पे पहुंचे, कोई हमारे इलाके का भी फायदा हो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पीटीआई हार गई तो मैं समझता हूं कि आप देखिएगा कि फिर ये जिमनी इलेक्शन बहुत कुछ, यानी जिमनी इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि मिड टर्म इलेक्शन होंगे, फिर बहुत कुछ ये तय करेंगे। अब देखिए कि होता क्या है, क्योंकि मैं पेशन गोई के उसमें नहीं हूं, अभी तक भी जो जिस तरीके से जो सूरत हाल चली है, तो अब देखें कि क्या होता है, उसके रिजल्ट आते हैं, उस पर आपके साथ में वीडियो जरूर शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।